नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी चौपाल में एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, 24 ग्यारह 2023 से लेकर 31 बारह 2023 तक SSC GD का फॉर्म फिलअप हुआ था, जिसका करेक्शन का डेट दिया गया था 4/1/2024 से लेकर 6/1/2024 तक। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपने फॉर्म भरने में जो भी गलतियां की है उसको सुधारने का टाइम यहाँ पे 4 जनवरी 2024 से लेकर 6 जनवरी 2024 तक दिया गया था। तो करेक्शन का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो भी गलतियां हुई है उसको करेक्शन कर सकते हैं और कब से कब तक कर सकते हैं दोस्तों। 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं उसे भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों यहां पर आप सभी को बताने वाला हूं कि यहाँ पर करेक्शन करने में आपको कुछ फी भी पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फी पेमेंट करना होगा, जैसे अगर आप पहली बार करेक्शन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपया करेक्शन फी चार्ज लगने वाला है। वहीं दोस्तों अगर आप पहली बार करेक्शन कर रहे हैं, कर चुके हैं, उसके बाद आपको लगता है कि फिर से कोई गलतियां आपके फॉर्म में है और फिर से आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो आपको सेकेंड बार में आपको 500 रुपये लगने वाले। जी हाँ दोस्तों, कितना लगने वाली है? 500 रुपये। तो आप केयरफुली एक ही बार में करेक्शन सभी कुछ को कर ले, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को करेक्शन करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको गूगल में सर्च करना है ssc.nic.in। जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको इस प्रकार का SSC का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों राइट साइड में आप देख सकते हैं लॉगिन पैनल खुल के आया हुआ है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर दोस्तों आप अपना लॉगिन, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जान रहे हैं, पासवर्ड आप भूल चुके हों, तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके आप फॉरगेट कर सकते हैं, री पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं और आगे का प्रोसेस आप सभी को दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर मैं लॉगिन कर चुका हूँ, तो इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल के आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कि GD का फॉर्म यहाँ पे दिखा रहा है। अब नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो री अप्लाई का बटन नज़र आ रहा है, वहाँ पर पहले अप्लाई का बटन नज़र आता था, लेकिन यहाँ पर करेक्शन का डेट स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर री अप्लाई का बटन नज़र आ रहा है। उसके पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आपके नाम में कोई स्पेलिंग गड़बड़ हुआ है या फिर एड्रेस में कोई गड़बड़ हुआ है या कोई सुधार वहाँ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप वहाँ से सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर आइएगा, री अप्लाई में क्लिक कीजिएगा। तो चलिए सुधार किस प्रकार से कीजिएगा आपको मैं बता देना चाहूँ। यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि आपका क्या यहाँ पे गलतियाँ हुई है और जिसे आपको सुधारना है। तो सुधारने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एडिट का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पर एडिट के बटन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी गलतियाँ हुई है उसे आप सुधार के सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप फिर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आइएगा। यहाँ पर आने के बाद फिर से आप यहाँ पर री अप्लाई में क्लिक कर दीजिएगा। री अप्लाई में क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर चेक मार्क डालने के बाद री अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा पॉपअप खुल के आ जाएगा, यहाँ पर आपको बता दे रहा है कि अगर आप करेक्शन करते हैं तो आपको चार्ज 200 रुपये डालना होगा, यानी कि पेमेंट करना होगा। आपको यहाँ पे यस कर देना है। तो आपका फॉर्म जिस प्रकार से फॉर्म भरने के समय खुल के आ रहा था उसी प्रकार से खुल के यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़ मांगा जा रहा है, यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस कर दीजिए, नो तो नो कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपको यहाँ एज रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए ST SC से आते हैं तो यस कर दीजिए, नो तो नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आप NCC किए हैं तो यस कर दीजिए, नो कर दीजिए। यहाँ पर सेंटर आपको चुनना है, 3 सेंटर, जिस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप किए थे उसी प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चुनना है कि कौन सा लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो आपको इसमें दोनों में चुन लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका स्टेट चुनना है। फिर आपको जैसे ही स्टेट आप चुनते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैंने झारखंड से हूँ, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने झारखंड से हूँ तो यहाँ पर मैं झारखंड चूज कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करने का भी ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ वो आप यहाँ पर चुन लीजिएगा। तो चलिए मैं रांची से हूँ तो यहाँ पर रांची चुन लेता हूँ। यहाँ पर
आप अगर दूसरे स्टेट के लिए माइग्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर येस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर पोस्ट आपको डालना है, जो भी पोस्ट को आप यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो पोस्ट को आप सबसे पहले दीजिएगा, उसके बाद सभी पोस्ट को यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आइएगा, आपका जो हायर क्वालिफिकेशन जो है उसे आपको डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक का 10th स्टैंडर्ड डालने के बाद यहाँ पे पास है कि या फिर अपीयर है वो डालने के बाद यहाँ पर आइएगा, आपको यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है, जो भी परसेंटेज आपका है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप इसको अपने अनुसार येस नो में चेक मार्क डाल दीजिएगा, आपका एड्रेस है पूरा यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर डालना है, तो यहाँ पे फोटो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर आपको डालना है और यहाँ पर येस करना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका फोटो 24 अगस्त 2023 के बाद का है तो इस फोटो को यहाँ पे डालें, बोल के बोल रहा है। लेकिन अगर पहले नो कर देते तो हो सके तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इतना कुछ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चेक मार्क डालना है, स्कैप्चा कोड को डालना है और प्रीव्यू में क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग सभी कुछ को भर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ मैं डाल चुका हूँ, अब आइए प्रीव्यू बटन में क्लिक करते हैं तो आपको प्रीव्यू शो कर देगा। यहाँ पर दोस्तों प्रीव्यू शो करेगा, आप केयरफुली पूरी सभी कुछ को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस आप कीजिएगा। तो चलिए मैं सब कुछ चेक कर लिया हूँ, अब सबमिट बटन में क्लिक करते हैं। सबमिट बटन में क्लिक करते ही दोस्तों पॉपअप खुल के आ जाएगा, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। यहाँ पर आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए येस कर दीजिएगा। पेमेंट के लिए येस कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन में चेक मार्क डाल दीजिएगा, उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करना है। सबमिट बटन में जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको आगे का पेज रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप जो भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों आपको इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप जो भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप इस प्रकार से कीजिएगा। जैसे मैं क्यूआर कोड से करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्यूआर कोड को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने गूगल पे या फोन पे कोई भी से इसको स्कैन करता हूँ और पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों पॉपअप खुल के आ चुका है कि योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, तो यहाँ पर मेरा पेमेंट हो चुका है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं, अब आपको क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों मेरा पेमेंट हो चुका है और मेरा फॉर्म भी यहाँ पे भरा चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं, स्टेटस यहाँ पर क्या कर रहा है कि मेरा अब यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ जानकारी मिले तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और जानकारी के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।